अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाली बहुत ही सिंपल और इजी पिस्ता आइसक्रीम, इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी हम देख लेते हैं। एक कप हमने यहाँ व्हिपिंग क्रीम ली है और एक कप पका हुआ गाढ़ा दूध लिया है, यानी दूध को हमने एक लीटर लिया और उसे इतना पकाया कि वो आधा रह गया। तो आप देख सकते हैं कि दूध को हमने यहाँ मलाई के साथ ही लिया है। तीन ब्रेड के स्लाइस लिए और इन्हें हमने पीस लिया है। आधा कप क्रश किया हुआ पिस्ता लिया है। आधा कप कंडेंस मिल्क लेंगे। अगर मीठा आप ज्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा और बढ़ा लें। और एक टीस्पून इलायची पाउडर लेंगे और एक पिंच हरा कलर लेंगे, क्योंकि हमें इसे नेचुरल कलर लाना है तो हमने एक पिंच लिया है। जरूरत होगी तो हम और ले लेंगे। तो यहाँ हम क्रीम को फेंट लेते हैं। क्रीम को हम यहाँ ज्यादा नहीं फेंटेंगे, थोड़ा सा इसे लिक्विड ही रहने देंगे। फेंट लेते हैं क्रीम को, हमने यहाँ फेंट लिया है। अब डालेंगे हम इसमें दूध। ये दूध डाल देंगे, थोड़ा सा इसे भी फेंट लेते हैं। कंडेंस मिल्क डाल देंगे और ये पिसा हुआ ब्रेड भी डाल देंगे। अब यहाँ हम इसे इतना फेंट लेंगे कि ये सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। हम यहाँ इसे ज्यादा नहीं फेंटेंगे, बस इतना फेंटना है कि ये सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब डालेंगे इलायची पाउडर, हरा कलर डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमने जो एक चुटकी कलर लिया था उससे बिल्कुल नेचुरल कलर आया है। अगर आप यहाँ थोड़ा सा ज्यादा और कलर पसंद कर दे तो थोड़ा सा कलर और डाल दें, लेकिन पिस्ता आइसक्रीम में थोड़ा सा नेचुरल कलर ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज अच्छी तरह फिट गई हैं। अब हम इसे रखेंगे जमने के लिए। जिस बर्तन में या जिस कंटेनर में आपको जमाना है, अब वो बर्तन ले लें और ये क्रश किया हुआ पिस्ता इस तरह फैला दें। थोड़ा सा हम रख लेंगे गार्निशिंग के लिए, ऊपर से लगा देंगे। अब ये सारा मिक्सचर डाल देंगे हम इसमें और इसे कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स, ताकि पिस्ता सारा मिक्स हो जाए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में अब ये थोड़ा सा पिस्ता हम ऊपर से डाल देंगे। तो ये पिस्ता आइसक्रीम बनकर तैयार है। अब लगा देते हैं हम इसका ढक्कन। ढक्कन लगाने से पहले आप ऊपर से एल्युमिनियम फाइल या फिर किसी भी पॉलीथिन को लगा दें, ताकि आइसक्रीम पर बर्फ ना जमे। तो यहाँ हम एक एल्युमिनियम फाइल लगा देंगे। अब लगा देते हैं इसका ढक्कन। अब रख देंगे हम इसे फ्रीजर में जमने के लिए। तो इसे आप कम से कम 5 से 6 घंटे रखें, और अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसे ओवरनाइट रख दें। तो यहाँ हम इसे ओवरनाइट रखेंगे। पिस्ता आइसक्रीम को रखे हुए पूरे ओवरनाइट हो गया है। अब यहाँ पर हम इसे खोल कर देख लेते हैं। तो पिस्ता आइसक्रीम यहाँ पर बहुत अच्छी जमी हुई है और आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें बर्फ बिल्कुल नहीं जमी है। अब यहाँ हम इसे निकालेंगे। एक आइसक्रीम स्कूप लेंगे और इसे हम इस तरह निकाल लेंगे। पिस्ता आइसक्रीम बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।